हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी वर्ल्ड ऑफ विद्या। और आज मैं आप लोगों के लिए 5 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी लेकर आई हूँ। हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग डिटेल ज़रूर देखें क्योंकि डिटेल से आप लोगों के स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो कोई बात नहीं, जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश से आएंगे? ब्रिटेन देश से, अफगानिस्तान से या फिर जापान से? और एक और चीज, उनका नाम भी लिखिएगा कि मुख्य अतिथि कौन होंगे। अब हमारा वीडियो मेन वीडियो शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। मनाया क्यों जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। यह हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और यह भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय नौसेना के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है। अच्छा, ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है क्या इसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन के लिए उसने एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। अब एडमिरल करमबीर सिंह 24 में भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। तो इस तरह से आप लोगों के करंट प्लस स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सरकारी कॉलेजों के लिए एलएमएस शुरू किया है? तो LMS है क्या इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले जान लेते हैं किस राज्य के सीएम ने शुरू किया है। तो ये कर्नाटक राज्य के सीएम ने शुरू किया है। कर्नाटक के सीएम ने सरकारी कॉलेजों के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। LMS क्या है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और LMS को 2020-21 के दौरान गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में लागू करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। LMS में 14 संबंध विश्वविद्यालय के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बहुभाषी ई सामग्री होगी। तो ये ई सामग्री में क्या क्या आएगा? तो ई सामग्री में PPT, वीडियो, क्विज और असाइनमेंट और ई अध्ययन सामग्री होंगी। यहाँ पर बात हुई कर्नाटक राज्य की, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। कर्नाटक कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन आ जाता है कि कर्नाटक किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो अगर आप लोगों को पता है कि किस किस के साथ साझा करता है तो आप आराम से क्वेश्चन को करके आ जाएंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आ रहे हैं और CPO में भी आए थे, SSC CHSL में भी आए थे। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं बज्जू भाई बाला। और शास्त्रीय नृत्य नाटिका यक्षगान कर्नाटक के प्रमुख रंगमंचों में से एक है। और भारत में दूसरा सबसे ऊंचा झरना जोंग फॉल्स कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट का नाम किस एक्टर के नाम पर रखा गया है? जहाँ पर बात हो रही है ह्यूमैनिटी की, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद हैं जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर काफ़ी सारे गरीबों की मदद की थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद के नाम पर आंध्र प्रदेश के शरत चंद्र कॉलेज के आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का नाम बदलकर रखा गया है। पिछले 9 महीने के दौरान सोनू सूद को जितना प्यार और सम्मान पूरे देश से मिला है, उसके बाद कॉलेज ने यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले स्थान पर रही है। इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। फॉर्च्यून इंडिया के द्वारा जारी देश की 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पहले स्थान पर रही है, जबकि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर रही है। भारत की दूसरे स्थान पर कौन सी रही है? तो वो रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान है। थर्ड स्थान किसका है? तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो स्पेन के खिलाड़ी पर मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। स्पेन के स्टार टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वे कोई भी आधिकारिक टूर्नामेंट नहीं खेल सकेंगे और उन पर $25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। वे वर्ष 2018 में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ 154वीं रैंकिंग तक पहुंचे थे, लेकिन कभी भी किसी ग्रैंड स्लैम में मुख्य डॉक्टर में जगह नहीं बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं? तो वो बने हैं ओलिवर गिरोड। इनके बारे में जान लेते हैं। चेल्सी के ओलिवर गिरोड खिलाड़ी चैंपियंस लीग में हैट्रिक दागने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बन गए हैं, और साथ ही हाल ही में रोनाल्डो के करियर का 150वां गोल किया है, और क्रिस्टियो रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए 400 से ज़्यादा गोल दागे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत किस नदी पर की गई है? तो रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत सरयू नदी पर की गई है। इसके बारे में देख लेते हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के जन्म स्थान पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज टूर सेवा को शुरू किया है। यहां आने वाले तीर्थयात्रियों को रामचरितमानस यात्रा कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्ला जमाली का निधन हुआ है? तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्ला जमाली का निधन हुआ है। यहाँ पर बात हुई है पाकिस्तान की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सेमेरू नामक ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? तो माउंट सेमेरू नामक ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है। इसके बारे में देख लेते हैं। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर स्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2021 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि किस देश से आएंगे? तो ये ब्रिटेन देश से आएंगे। इनका नाम क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 26 जनवरी पर अतिथि के रूप में आएंगे, और 26 जनवरी को हमारा देश भारत हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।